पूरे देश में लोहड़ी पर्व की धूम है। लोहड़ी का पर्व वैसे तो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन पूरे देश भर के लोग इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हैं, जिसको लेकर पटना के गुरुद्वारा में खास इंतजाम किया गया है। वहीं पटना सहित पटना साहिब के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में विशेष अग्निकुंड भी बनाया गया है, जिसमें गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी जी के द्वारा अरदास कर अग्नि प्रज्वलित की गई। सभी सिख श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेक आशीर्वाद प्राप्त कर अग्निकुंड की परिक्रमा कर उसमें काले तिल जलाकर ईश्वर को नमन कर अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। वहीं ढोल और संगीत की धुन पे नाचते गाते रहे, साथ ही रेवड़ी और मूंगफली बांटकर अपनी खुशियां मनाए। लोहड़ी का विशेष महत्व है। सिख और पंजाबी समुदाय के लोग इस विशेष पर्व की शुरुआत व परंपरा मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व की रात्रि 13 जनवरी को होती है, और ये पर्व बच्चों को समर्पित है। जिनकी नई नई शादी होती है या घर में बच्चे जन्म लेते हैं, उनके परिवार में पहली लोहड़ी के माध्यम से ये चार चांद लगाने जैसा पर्व है। लोहड़ी के दिन वर्ष की सबसे लंबी रात होती है, इसके बाद रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। लोहड़ी कृषि से भी जुड़ा त्यौहार है, ऐसे में किसानों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस दिन पंजाबी लोग नए वस्त्र पहनकर सज धज कर ढोल गानों पर लोक नृत्य भांगड़ा करते हैं। न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।